हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और मैं आज आपको बताऊंगा कि मिडब्रेन एक्टिवेशन क्या होता है। मैं अभी कई वीडियोस मैंने देखे जो लोग कहते हैं कि मिडब्रेन एक्टिवेशन एक बकवास चीज़ है, इससे कोई फायदा होता नहीं है, बच्चों को चीट कर रहे हैं, पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस ट्रेनिंग लेते हैं वो बच्चों को फुल बनाते हैं, ये अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मिडब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस दुनिया में नहीं है, इतना फायदेमंद, इतना जबरदस्त। अगर आप एडवांटेज सुनोगे, मिडब्रेन एक्टिवेशन के फायदे आप जानोगे। मैं पिछले 2 साल से इसे पढ़ा रहा हूँ, कई लोगों के मैंने इस मैंने सुनी है, कई लोगों के कमेंट मैंने जाने हैं, बच्चे के फायदे मैंने जाने हैं कि किस तरह से बच्चा जब मिडब्रेन एक्टिवेशन होता है तो किस तरह से बच्चे की ग्रोथ होती है, उसकी पढ़ाई में, उसके एजुकेशन में, उसका कॉन्सेंट्रेशन किस हद तक बढ़ता है, आप सोच नहीं सकते। कई पेरेंट्स तो मुझे फोन करके शॉक हो, तो शॉक हो गए और कहने लगे कि सर आपने ये क्या चीज़ बच्चों को दी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानेंगे कि पूरा डिटेल साइंस मिडब्रेन एक्टिवेशन का क्या है। सो रेडी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि सबसे बेहतरीन इसका जो मिडब्रेन एक्टिवेशन का एडवांटेज है और वो है बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। यस माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस हो जाता है आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर, वो इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए कैसे ये बैलेंसिंग होता है, अभी एग्जाम्पल मैं आपको एक न्यूज़ सुनाता हूँ। जैसे आज सुबह 9 बजे बॉम्बे में बहुत भारी बारिश हुई, अभी आपने जो न्यूज़ पढ़ी या पेपर में होगा, कहीं भी होगा, ये सुनी, तो यहाँ पे अगर आप वर्ड को देख रहे हैं, यानी वर्ड आपके दिमाग में जा रहे हैं, तो आपका लॉजिकल पार्ट यानी लेफ्ट ब्रेन काम करता है। अगर यही चीज़ आपने अगर कल्पना से या विजुअलाइज करके या अपने इमेजिनेशन से देखा कि बारिश हो रही है, उसे देखा, तो आपका राइट ब्रेन यूज़ होता है। कम लोग ही अपने राइट ब्रेन का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर वर्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो वर्डिंग को लेते हैं। होता कुछ ऐसा है, इसमें एक ही हिस्सा ज़्यादातर काम करता है, वो है लेफ्ट, और उसका पोटेंशियल भी कम है, यानी 10% है। हम ज़्यादा ब्रेन का 90% यूज़ नहीं करते, इमेजिनेशन नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें छोटे बच्चे में नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन की पावर यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर से आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से लेफ्ट और राइट ब्रेन का हम बैलेंसिंग होता है। मान लीजिए आप कहीं पार्टी में गए, तो एग्जांपल आपने कई लोगों से वहाँ पे एक दूसरे को जाना, पहचान, इंट्रोड्यूस किया, तो कई लोगों से आप मिले, तो मिलने के बाद हुआ कुछ ऐसा, कई साल गुजरने के बाद आपको वो इंसान जो मिले थे, एक इंसान आपको रास्ते से मिल गया, तो आप जाके उसे सोचते कि अरे इस इंसान को मैंने कहीं देखा है, आप सोचते हैं, आप उसे मिल भी जाते हैं और कहते कि आपको देखा है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आपको चेहरा तो याद है लेकिन आपका नाम मुझे याद नहीं है। सो ये क्यों हुआ? हम कई बार इस एक्सपीरियंस को करते हैं क्योंकि हमने तब उसका चेहरा भी देखा था और नाम भी सुना था, लेकिन जो नाम सुनते हैं, जो टेस्ट होता है या जो वर्ड होते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाते हैं, वो 10% ही होता है, और जो चेहरा होता है यानी इमेजिनेशन होती है या कल्पना शक्ति होती है या पिक्चर के फॉर्म में अगर होता है, वो राइट ब्रेन में स्टोर होता है, और जो राइट ब्रेन में स्टोर हो रहा है वो लंबे समय तक याद होता है हमें। तो ये जो प्रॉब्लम है जो सिंक्रोनाइजेशन का, कि हमें चेहरा तो याद होता है कि नाम नहीं याद रहता, ये क्यों होता है? क्योंकि अनबैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। लेकिन आपने अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया या मिड ब्रेन एक्टिवेशन को समझा, तो आपकी जो बैलेंसिंग है राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, वो बहुत पावरफुल होगी। यानी आप जब देखोगे तो उसे विजुअलाइज करोगे अपनी मन की आंखों से, और वो लंबे समय तक याद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो बंद आंखों से जब कोई भी किताब पढ़ते हैं, उनके दिमाग में वो इमेजिन करके उनके दिमाग में सबकॉन्शियस में वो स्टोर होता है और लंबे समय तक याद हो जाता है वो चीज़। ये आपके भी साथ हो सकता है, अपने बच्चों के भी साथ हो सकता है, इसीलिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट और राइट ब्रेन के लिए बैलेंसिंग हम सिखाते हैं बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ब्रेन जिम। ब्रेन जिम एक इतनी ज़बरदस्त पावरफुल एक्सरसाइज एक टूल है जिससे अपने दोनों ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ होता है। ये आप करके देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपके मोबाइल को साइड में रखिए और ये चीज़ आप करके देखिए। आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे लेने हैं, इसमें से जो राइट हैंड है वो आगे जाएगा, कीजिए ऐसा, नाइस। एक हैंड है वो पीछे आएगा, कीजिए ऐसा, नाइस। अभी ये दोनों हाथ ऐसे लीजिए और एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, तो दोनों साथ में करें, एक हाथ आगे जाएगा, एक हाथ पीछे आएगा, करके देखिए,
एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, आप दोनों हाथ आगे नहीं लेने हैं, पीछे नहीं लेने हैं, एक आगे जाएगा और एक पीछे आएगा। नाइस, आ रहा है? शायद नहीं आता होगा, ट्राई करके देखिए। और एक करेंगे एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, जस्ट टेक दिस हैंड ओके एंड चेक लाइक दिस यू डू ओके। अभी ध्यान से करें, इसे ऐसे करना है, बाद में ऐसे करना है, ऐसे 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 करके देखिए, करके देखिए, अपने मोबाइल को साइड में रखिए, करके देखिए, इसे करके देखिए। नाइस, वाह, वेरी नाइस, आप अच्छा कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो ये सभी चीज़ें, ऐसे बॉडी के हर एक पार्ट को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसे पूरी बॉडी की प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं क्योंकि दोनों हाथों से जब लिखेंगे दोनों ब्रेन साथ में करें एक्टिवेट हो जाएंगे और वो मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि मिडब्रेन एक्टिवेशन के और क्या फायदे हैं। हम आते हैं मिडब्रेन एक्टिवेशन के एडवांटेज के बारे में। एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि मेरे पास शब्द नहीं है कितना बढ़ेगा सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, बच्चा जब आंखों पे पट्टी बांध के कोई चीज़ को पढ़ रहा है तो देखिए कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ कि ये कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या माय डियर फ्रेंड्स, वन थॉट इन माइंड इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। यस, आपके मन में एक विचार है तो आपका कंसंट्रेशन हाई है उस समय पे। एग्जांपल मान लीजिए कि आप मूवी देख रहे हैं, मूवी आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि आप उस मूवी में पूरा कंसंट्रेशन देख के आपको बाजू बाजू में क्या चल रहा है ये पता भी नहीं होता। ये होता है कंसंट्रेशन पावर माय डियर फ्रेंड्स। और मैं एक चीज़ बोलूँ, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। एग्जाम्पल, आपका बच्चा अगर ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग करता है, ब्लाइंड फोल्ड राइटिंग करता है, या मेरे बच्चे करते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई पीक पे होता है। क्यों होता है मेरे फ्रेंड्स? आपने शायद कई बार देखा होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो उनको आंखों से दिखता नहीं है बचपन से, उनकी याददाश्त बहुत पावरफुल होती है। एक बार ऐसे ही मैंने, हमारी पेरेंट्स हैं, एक बच्चा है, उनके पिता जो है ब्लाइंड है, उनको मैंने सवाल पूछा कि आप ब्लाइंड हो लेकिन उनकी मेमोरी, वो खुद काम अपना हाथ से करते हैं, ये सब कुछ उनका वर्क करते हैं, अपने फैमिली को चलाते हैं, तो इतनी सारी पावर में कहो कि हमें आंखें हैं लेकिन आपको आंखें नहीं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? तो वो कहने लगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारी जब आंखें नहीं हैं तो जो भी हम सुन रहे हैं तो हम ध्यान से सुनते हैं, तो हमारा ध्यान, जैसे आंखें जब खुलती है तो हमारा ध्यान यहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है, वहाँ पे, तो ये डाइवर्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं है, हम जब कोई चीज़ को सुनते हैं तो उसी तरफ हमारा ध्यान होता है और वो लंबे समय तक याद होता है। आपने शायद देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है, और यही चीज़ यानी कॉन्सेंट्रेशन माय डियर फ्रेंड्स। मैम हमेशा कहती है, टीचर जो होते हैं बच्चों को हमेशा कहते हैं कि, या पेरेंट्स कहते हैं कि आपका बच्चा तो अच्छा है पढ़ाई में लेकिन वो अच्छे से ध्यान नहीं देता स्कूल में। अगर उसने ध्यान देना शुरू किया ना तो मैं कहती हूँ कि आपका बच्चा हमेशा फर्स्ट आएगा स्कूल में। ये मैम तो कहती है कि बच्चे ने ध्यान देना चाहिए, और उस मैम को ये सवाल करे कि ध्यान देना कैसे हो, सिखाइए, शायद उनके पास ये जवाब नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना है, एक ध्यान में रहना कैसे है, ये शायद आपको भी मैं सवाल करूं तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि साइंस ये कहता है, रिसर्च ये कहती है कि हमारे मन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं दिन में। तो अगर इतने विचार आते हैं तो हमें कुछ एक ही विचार को लाना है तो वो कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। लेकिन बच्चे जो है यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर को हम बढ़ाते हैं, वो ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं, उस समय पे उनका पूरा ध्यान उस किताब में होता है, ना कि अलग चीज़ों में, ना उनको टीवी देखती है, ना कोई, बस किताब वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो भी कुछ पढ़ा वो याद हो जाता है। इट इज़ अमेजिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका बच्चा ऐसे ही पढ़ता रहा, ऐसे ही करता रहा, एक बच्ची हमारे यहाँ पे हमारे क्लास में, इतना
इतना इंटरेस्ट के साथ वो चीज पढ़ती है किताबों को, और हम मम्मी पापा को कहती है, पहले उनके मम्मी पापा तो वो बहुत कंप्लेन करते थे कि वो पढ़ती ही नहीं है पढ़ती नहीं है, अभी वो आंखों पे पट्टी बांध के इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ती है, सभी लोग उसके लिए क्लैप बजाते हैं। ये होता है कई लोगों ने उसको, कोई फैमिली में आए अगर कोई मेहमान आए तो उनको वो पढ़ के दिखाती है, सभी उसका अप्रिशिएशन करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस आज इतना बढ़ गया है, कॉन्सेंट्रेशन पावर से ये सभी चीज़ें से करने से उतना इतना डेवलपमेंट हुआ है। वो कहती है कि उसकी मम्मी पेरेंट्स कहते थे कि उसकी रीडिंग की जो स्पीड है बहुत बढ़ गई है, और उसका ध्यान है हर चीज़ में ध्यान है, इतनी अलर्ट के साथ होता है कि बहुत उसकी पावर बढ़ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पावर भी आपके बच्चे में आए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के ये सभी फायदे इतने ज़बरदस्त है, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे फ्रेंड्स बोलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि और सुनिए क्या क्या फायदे हैं। लोक येत कोणी तपास घेण्यासाठी येत, कोणी औषध घेण्यासाठी येत, कोणी म्हणजे डॉक्टर माझं पोट दुखतंय मला तपासतात, कोणी म्हणे डॉक्टर माझं बिल किती झालं आहे ते सांगा। तुम्ही एका लहानशा खुर्चीत बसून ते सारे पाहत असे आणि एकदा असे दवाखान्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी त्याला आता कळू लागल्या होत्या, पण बिल म्हणजे काय ते अजून त्याला कळलेच नव्हते। तुमचे एके दिवशी वडिलांना विचारले, बाबा बिल म्हणजे काय हो? डॉक्टरांनी टेबलावरच एक कागद घेतला आणि दिनूला दाखवला, हे बघी याला बिल म्हणतात वाच, डॉक्टर म्हणाले। दिनू तो कागद वाचू लागला। दिनूचे बिल कितीतरी वेळ वाचत होता, तो एकदम मध्येच हसला। त्याला काय वाटले पुन्हा राहू काहीतरी विचार त्याच्या डोक्यात आला। माय फ्रेंड्स, आपने इतना समय देके इस वीडियो को देखा, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल बटन को दबाइए क्योंकि आने वाली वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को लाइक करें, आपकी कुछ क्वेरीज है क्वेश्चन है उस कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर डालिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में डालिए, अपने फैमिली को शेयर करें, आपके आस पड़ोस में लोगों को बताइए इस नॉलेज के बारे में। और सभी बच्चे, मेरा मिशन है कि सभी बच्चे जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाए, और आप इस मिशन में मेरी मदद करें। सो धन्यवाद, आपने समय निकाल के इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।